गिरधारी घनश्याम को और धरूं सभा में ध्यान, लाज रखो संकट हरो सुरखो हमारो मान। अरे गिरधारी बनबारी रे मोए आस लगी तेरी वारी, अरे गिरधारी बनबारी, हाँ गिरधारी बनबारी रे मोए आस लगी तेरी वारी। राठौर कैसेट के माध्यम से आज हम आप लोगों के समक्ष भगवान श्याम सुंदर की बाल लीलाओं में से जो कहानी लेकर के चल रहे हैं कि किस तरह से भगवान कन्हैया चंद्राबल नाम की लड़की को छलने के लिए जनाने बन करके उसके पास उसके घर गए थे। श्रोताओं, एक दिन सब ग्वालों ने यह सलाह मिलाई कि आज माखन हम किसी के द्वार और किसी के घर पर चुराने के लिए नहीं जाएंगे। मनसुखा समझाए कि बोलो है लाला, चोरी करने से वे घर के लोग जितने भी हैं वो भी ऐतराज रखते हैं, इसलिए मेरा मतलब सिर्फ ये है कि आज चोरी नहीं करेंगे। रास्ता में गोपियां जाती हैं दही बेचने के लिए और वहीं छीनेंगे। तो एक बार सब ग्वालन ने मिलके करी सलाह और दधि बेचन गोपी चले रास्ता में ले उ
आज्ञा कही कि दद बेचन को जब जाए तो रास्ता में छीन लो। तो कन्हैया से मनसुखा बोलो, लाला हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। क्यों? मनसुखा बोलो हम जासो ना जाए। कन्हैया सबसे बड़ी मुश्किल एक बात की है कि माँ यशोदा के लाला, मनसुखा बोलो कि माँ यशोदा के लाला तेरो चोरी में है नाम और तेरे संगम का नाम मेरो नाम हो तू बदनाम। समझाए के मनसुखा बोलो लाला, कई तो चोरी करवे की आदत पड़ी गई और हमारे तीन साग से चोरी ना है भाई तासे। अरे माँ यशोदा के लाला, माँ यशोदा के लाला तेरे चोरी में है नाम, तेरे संगम का नाम मेरा नाम हो जाए रहते तो मनसुखा समझाए कि बोलो कन्हैया आज के बाद हम तेरे संग चोरी करवे को ना जाए और चोरी करवे को जासे ना जाए। अब तो चुलो मोढ़ाए ये सामरिया मत की छोरे कहीं फारे चुमरिया। हम खाए सास है हम नाए नहीं और बोलो तेरे संग अब नहीं रहूंगा चोरी से माखन ना खाऊंगा। मनसुखा बोलो लाला ते संग हम जाय सुनाए रहे क्योंकि तू माखन खाए और हम गुलचा खाए। बाकी बाद में सबसे बड़ी कमी जबात की है कि मेरी मैया बहुत झुझला थी। अब रही बात जबात की कि तेरे संग और से रहे ना तासे, तो हमेशा हमने माखन खवाओ तूने हमें खवाओ,
उदास है कन्हैया। बात जो है कि छोड़त तो कुबन न समरिया, छोड़त मुश्किल है जब बात की तो छोड़त बन तो जा सना कि तू हमेशा संग रहो हमारे। छोड़त बोले मनसुखा, जब छोड़त ना है बंत फिर ऐसी बातें गाय कुपत। बोलो मनसुखा, बोलो लाला। ओ ना तेरे हम पीछे घूमे सोने यशोदा के लाल हो, बोलो लाला। हमेशा ते संग रहे तास है। ग्वाल बालन की जब बात सुन के भगवान कन्हैया बोले कोई बात ना है, कोई बात ना, चलो आगे चले चले आगे पीछे पीछे आगे ग्वाला भागत जात हो। बोलो लाला, बस केवल जाई बात से हम तेरे पीछे घूमते हैं और हर समय रहते हैं कि तू ये न सोच पाए कि मनसुखा मेरा साथी नहीं है, मित्र नहीं है। दूर से देखो भगवान कन्हैया ने कि सखियां वृक्ष के नीचे बैठी हैं, सोचने लगे जिस सबसे बढ़िया काम है। और आज दूसरे के घर चोरी करवे ना चले, आज तो रास्ता में ही माखन सब धरे मिलेंगे या वही ही। और जो सखियन ने देखो भगवान कन्हैया को उसी समय कि दूर से देखो श्याम को सखियां करें सलाह, आओ छलिया न
एक सखी बोली कि कन्हैया आएंगे, अब क्या करोगी? तो चंद्रा नाम की सहेली बोली, काय को परेशान है, कन्हैया आयु गो तो वो का खा लिया मटुकियां, तो रीति धरी माखन पहली में आए। तो चंद्रा कै समझाई के बहना क्यों भवलाई, माखन आए बेच के अब कान्हा का ले जाए। जवाब दो, कन्हैया अगर आयु गो तो वो हमसे का ले जाए, मटुकियां खाली रखी। तो ले सब सखियन के पास में भगवान कन्हैया और ग्वालन को लेके पहुंच गए। कन्हैया बोले, रोज तो चली जाती हैं थी लेकिन आज नहीं जाने देंगे, तासे तुम एक काम करो, माखन का दान मुझे चाहिए। अब मटुकियन में हतो हुई सिंह कछु ना, सुबह सी झांक के धल लई पेड़ के नीचे, सब सखियां बैठी गई और बोली, घबराओ ना। तो सर से नीचे धरी मटुकियां बैठी रस्ता पे, सर से नीचे धरी मटुकियां बैठी रस्ता में, शर्मा जी बैठी रस्ता में, सर से नीचे धरी मटुकियां बैठी रस्ता में। सखियन ने मटुकियां सर से नीचे धरी और जवाब दो, कन्हैया कोई माखन ना खवाऊंगी, अब माखन होए तब तो खवाए। कन्हैया को छलेवे के लें और वैसी धोखा देके सखियां बोली, ए मनमोहन नंद बाबा के तू रोज करे हैरान, आज हम मानेंगे ना और न तुम्हें जान दी। तो सखियन ने जकई, देखो माखन ऐसे ना हम तुम्हें खवाएं, फिर कैसे तरीका वा में जिद ढूंढ लो उनने के, अब जब माखन होए तब तो खवाएं। बात बदल के चंद्रा बोली, लला तुम ऐसो करो, हाथन में अगर तुम्हारे माखन रखो तो ज्यादा ना बने वो। अरे बोली सखियां आओ समरिया पत्ता तोड़ के लइयो, बोली सखियां आओ समरिया पत्ता तोड़ के लइयो, पत्ता ले आओ। पत्तन पे माखन रख दिए तो ज्यादा मिल जाए। बोली सखिया आओ कन्हैया पत्ता तोड़ के लइयो, बैठ हमारे पास समरिया जी भर माखन खइयो, देखो तनकी भरी मटुकियां बैठी रस्ता में, देखो तनकी भरी मटुकियां। पत्ता तोड़ के ले आओ। अब ग्वाला सब भागे और जब देखन लगे कोई बड़ो से पत्ता मिले जहां पे माखन ज्यादा बने, पप्पू ढूंढता रहे बड़ो से पत्ता लेके जब हुन पहुंचे और लाइन में चंद्रा ने ऐसा ना है जकई कि तुम लाइन में बैठो सब लोग तुम्हें माखन खवाएं। अब लाइन में जब बैठ गए पत्ता सामने परोसे हैं, अब मटुकियां तुम्हें दही तो बेच के आई उन्होंने हाथों तो ऐसे उन्हें कछू। तो सखियन ने ग्वाल बाल पत्ता लेके आए,
बस में आई, सोई सखियन ने लई मटुकिया, सब सखियन ने पत्थर पदई लुढ़काई, बोली ताली मारी गुजारिया बैठी रास्ता में, ताली मार के हसी गुजारिया। मटुकिया ने कछु हसो ऐसे उन्हें सब पत्तन पे बैसी पलटी दई, कछु ना ले करो सोई ताली मार के सखियां हसी, ताली मार के हसी गुजारिया बैठी रास्ता में, अरे बैठी रास्ता में भ्रात मेरे बैठी रास्ता में, सर से नीचे धरी लगारिया बैठी रास्ता में। आज मटुकियां बैसी सब लुढ़काए दई, जब में कछु ना देखो सखियां सब ताली मार के हसन लगी, और भगवान कन्हैया के पास से गुलचा और गालनम लगाए कि बे तो वहां से चली गई। जब सखियां चली गई तो मनसुखा बोलो लला ये तो सबसे बुरी बात भाई, अवे लो तो हम तुम रोज उन्हें छलत रहे, लेकिन आज चंद्रा नाम की सहेली कि छलिया तो को, मनसुखा बोलो कि छलिया तो को चली गई रे वो चेल छबीली गोरी, चलिया तो चली गई रे वो चेल छबीली गोरी गोरी। जब पे सखियां सब चली गई तो मनसुखा बोलो लाला अपे अंगेला तू कहू समझ तू ही ना है तो आज मालम पर तू समझे ग्वाला सब पागल, तू हमें सर क्षेत्री समझ तू समझे ग्वाला सब पागल, आज पागल तोई बनाई गई रे वो चल छबीली गोरी, चलिया तो चली गई रे वो चल छबीली गोरी। कितनी बार मने करी चुपचाप घर में बैठो करो, कहो ब्रजेश मोन कैसे ठाड़े, मनसुखा बोलो कहो श्याम अब मोन कैसे ठाड़े, आज ब गुजरिया चालाकी के हाथ, चालाकी के हाथ दिखाई गई रे वो चल छबीली गोरी, चलिया तो चली गई रे वो चल छबीली गोरी। जवाब दो मनसुखा ने कहो लला और खयो माखन, कितनी बार तुमसे कही के दूर रहो तुमने ना माया, मुंह देखो कैसे करी है ऊपर को, भगवान कन्हैया की कोई बात ना आई, और मनसुखा की बात सुन के कन्हैया बोले अब चाहे हुई कछु जाए, आज जैसे वह हमें छलके गई और वैसे ही हम छलके आए। मनसुखा बोलो तू कैसे छलके आए, जवाब दो तू एक काम करो सिंघार जितो होते ना औरतन भाव सो ले आ,
बोलो कहां तले है मां तो ब्याहू ने बोझ बहू को सामान उठाए लाए। सब ग्वाला भागे पै पै घर से, कोई शीशा कंगा उठाए लाओ, कोई इंगुर बिंदिया उठाए लाओ, जो कछ मिलो सब ले आए। अब भगवान कन्हैया बाप बैठे थे ग्वालन के बीच में कि बन रहे मोहन नर से नारी चले। सोचन लगे इस तरह से नहीं कि बन रहे मोहन नर से नारी प्यारी चंद्रा छलवे को, चारों तरफ से और भैया घेर के जब सिंगार करो कन्हैया को, जनानो जब बनाओ, सुंदर चेहरा चंद्रमा सो दामन की छवि प्यारी, सुंदर चेहरा चंद्रमा सो दातन की छवि प्यारी, कैसो सिंगार करो, कालो तिल दालन पर सो है, कालो तिल दालन पर सो है चिंतवन न्यारी न्यारी बैठे बालन में गिराधारी प्यारी चंद्रा छलवे को, बैठे बालन में गिराधारी प्यारी चंद्रा छलवे को। ग्वाल बाल जहां घेरे बैठे हैं भगवान को, सब ग्वाल सिंगार कर रहे हैं भगवान कन्हैया को। अबे जनाने बने कैसो सिंगार करो, आरो कर सिंगार रहे सब ग्वाला बैठे ही बनवारी, पाए में सो है कमर कंधनी प्यारी बन गए।
जनाने बने, जनाने बनने के बाद में भैया भगवान कन्हैया के मन में एक बात आई, मन में जो सोची और सोई ग्वालन ने जो कही कि काम करो, सबसे पहले तुम जाओ यशोदा मैया के पास, और यशोदा अगर पहचान नहीं तो चंद्र पहचान नहीं है, यशोदा मैया जो ना पहचान पाओ तो पहचान कोई ना पाए लला। उसी समय किधर गोपी के भेष को मोहन पढ़े यगारी, तो माँ यशोदा के द्वार पर करने लगे पुकार। मटुकिया एक उठाई सर पर रखी और जनाने बन के यशोदा मैया को आवाज लगाई, यशोदा मैया निकल के बाहर आई। कहो सहेली क्या है? तो जवाब दिया माँ क्या बताए करके। कन्हैया बोले यशोदा से, we'll be right back।
कन्हैया बोले यशोदा मैया, अब तो तेरे गोकुल में बड़े ही दुखी हैं, इसलिए तेरे इस धाम को छोड़ करके चली जाऊंगी। कंस से तुम्हारी मैं शिकायत करूंगी, तब पता चलेगा तुम्हें कि तुम्हारे श्याम ने किस तरह से हम लोगों को दुखी किया है। दोस्तों, यशोदा मैया ने न पहचान पाओ कि छलिया भगवान श्याम है। तो यशोदा बोली लाडले, घबराओ नहीं, यशोदा बोली लाडली, और दिल में धर ले धीरे, मार लगाऊं श्याम की बन करके बेपीर। बोली गोपी घबराओ ना, आज आंदो कन्हैया को आज मैं छोड़ूंगी ना काऊ कीमत पे। तो भगवान कन्हैया बोले, मैया क्या बताएं, बहुत दुखी है तेरे लाला से। शिकायत करवे के बाद जब कन्हैया गोपी को रूप धारण करके चले गए, यशोदा मैया ने ना समझ पाई कि भगवान कन्हैया है। अब का वो आगे को बढ़त भय कि बन के चले हैं मोहन गोकुल की गुजरिया। सहेली के द्वार पर ठाड़े होके किवाड़ खटखटाए, आवाज लगाई, जनाने बने वहां ठाड़े द्वार पर और तेर मारी, सहेली कि चंद्रा बल खोल री किवाड़ी बहने ढाड़ी बावे। जनाने बन के जब गए चंद्रा सहेली के द्वार पर ठाड़े हुए की आवाज लगाई, चंद्रा बल खोली की बार की बहने ठाड़ी द्वारे पे, बहने ठाड़ी द्वारे पे।
द्वार पे पहुंची, किवाड़ खोले, एक चंद्रा बलिया बाज सुनत ही बोली है मुसिकाए, और कौन गाम की रहने वाली कौन पिता को माए, कौन गाम की रहने वाली और कहा नाम है मोई बताई दे, कौन तेरोरी भल चाल चली गई चंद्रा, और जब आंगन में पहुंची हैं कन्हैया की तरफ निहार के एक बात बुद्धि में आई और सोचन लगी चंद्रा, अरे चल देख के श्याम की तब सोचत सखी सयानी, चाल जब देखी, चाल देख के भगवान की सोचन लगी, चाल देख के श्याम की है सोचे सखी सयानी, मर्दन जैसी चाल रे, जाकी मर्दन जैसी चाल रे, ना चाल लगती है जनानी। चंद्रा ने सोची देखी चाल तो औरतन जैसी है ना, सहेली तो सहेला है, कहा है समझ में नहीं आते। महाराज चंद्रावल मन में करत विचार, कह कहूं छलिया हो समरिया बन के आओ नारी, भैया बाएं पकड़ के जनाने बन के जो गए थे, लेकिन चंद्रा ने दूर से जब देखो है पास गई, हाथ में हाथ पकड़ के अंदर तो ले गई, लेकिन चाल देख के शंका हुई गी। और मन में सोचने लगी कि जो जनानी चाल तो है ना, मर्दन जैसी लंबी लंबी टांगे धर रहा हो,
ऐसा तो ना है कि कन्हैया होए। फिर बात बदल के चंद्रा ने एक बात कही, सहेली एक काम करो, कहा कि चलिए बहना संग, कहा के संग मैं भी नहाऊंगी, एक काम करो चलो स्नान करेंगे, अब आई हो तो चार दिन तो रहे हो। चलियो बहना संग, संग में मैं भी नहाऊंगी और हंसी खुशी से संग बैठ फिर खाना खाऊंगी। चलो नहा ले प्रेमचंद भैया, कन्हैया सोचने लगे हमने तो अब पोल खोली, बात बदल के बोले नहाबे को वैसे बात कथू ना, नहात नहात तो हम रोज ही है, अबे अनाओ तो महीना पहले, अब इतनी जल्दी मान लो वैसे नहाबे भाई बात कोई ना, बात दूसरी है। कन्हैया बोले गिरा मोहन ने उच्चारी, मेरे घर हुई रही भगतई, सुनो बहन प्यारी भोरही उठ के नहाती हूँ, भोरही उठ के नहाती हूँ, ता पीछे करके काम बाद में खाना खाती हूँ। भगतई को काम चलतो है, भाई तो बात है ना, भगत ने ना ही करते ही काउ पे पाए मती छुप भई हो, दूसरे के घरे नहाइयो मती, वैसे नहाना कोई बात ना हो, हमारी जात थे बिना नहाए तो हम कभी कोई काम करते ना, सवेरे नहाए थे आए थे और बोले नहाए के घर से मैं आई, अरे बोली चंद्रा बात बदल के सुन ले तितलाई, नहाए के घर से मैं आई रे नहाए के, चंद्रा सोचन लगी जब तो बात बिल्कुल नहीं अलग हुई गई, जब नहाबे की बात कही और भगवान कन्हैया सोचन लगे नहाबे को नंबर आओ तो पोल खुली दे, बात बदल के उनने बतो बात काट दे, तो चंद्रा पास में बैठ के एक बात बोली, सहेली बुरो न लगे तो एक बात कहे ले ली, पूछो तो जवाब दो, एक बात समझ में ना हमारी आई कि बैठ गई झट पास में चंद्रा और बातन में बदला दी है, ये बात समझ नहीं आती है तेरी मर्दन जैसी छाती है, चंद्रा बोली लली समझ में जन आया थे नहीं।
रखो है। अब माखनी खाते जाते हैं, समझाते जाते हैं। देखो मर्दन जैसी छाती और चाल जो बता रही हो ना, वह कारण दूसरो है। कौन सा कारण है? तो कन्हैया जनाने जहां बने बैठे थे, चंद्रा से बोले तुम्हें ना मालूम लली। अब तुम जो सोचो तुम्हारी शरीकत कर ले, तुम्हारी शरीकत तुम कैसे कर ली, तुम्हारा तो ब्याह ना हो भाई। बात जो है कि सुन ले चंद्रा सुकुमारी, कन्हैया बोले कि सुन ले चंद्रा सुकुमारी, सारी कहानी मेरी भाईली। बोले जब बोले कि तुम जो बता रही कि मर्दन जैसी छाती एवं कारण दूसरो है, दूसरो जो है मर्दन जैसी छाती, कह रही बच्चन की महतारी। तुम आओ तो ब्याह ना भाव हमारे घर में, देखो चले कितने वाली बच्चा खेलता है। कोई बात ना है, तुमने सोचा दूसरी कोई बात, दूसरी बात ना है। तो चंद्रा बोली ठीक है, तुम बच्चन की महतारी हो, ताकि मैं मर्दन जैसी चाहती हुई। लली बात एक और है कि साड़ी ब्याह मैंने को तो हो सुना है, देखो जू का दशा है, ऐसे को धोती पहन नहीं जाते। तो कन्हैया बोले देखो धोती पहनने वाली बात है ना, बाने कारण दूसरो है। शौक तो हमें बहुत होती पहले, अब शौक करें तो कहां करें। बात सुनी भैया सोचन लगी चंद्रा जस तो कोई पैसे ना जाते। तो बात बदल चंद्रा कहे सुनो सखी मेरी बात, नरम कलाई नारी की तेरे मर्दन जैसे हाथ। औरतन की कलाई और हाथ सब दे बड़ी मुलायम होत, ओते कठोर हाथ जो धरे चक्कर कहा है। जैसी जब बात सुनी तो भगवान कन्हैया बात बदल के फिर बोले तुम्हें कछु ना, अब तुम्हें कहां मालूम, तुम कहां जानो। बोले योगी
साड़ी ले पकड़ के खींच दई। हाँ, जो साड़ी खींची जो भगवान का नहीं आप देखो सुगालन गुलचा चढ़ दे और बोली और छलिया